नमस्कार, मैं अफरोज अली। आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से सीनियर एडवोकेट की, जो उन्होंने देश में लॉकडाउन के चलते हुए लोगों से अपील की है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं पत्रकार मोहम्मद फैसल के द्वारा अलीगढ़ से। ये एडवोकेट कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट अजान के सिलसिले में हुआ है उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये जजमेंट 15/5/2020 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान को जारी रखते रहने के लिए आदेश दिया है, जो बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें अजान को इस्लाम का एक असेंशियल और इंटीग्रल पार्ट मानते हुए अजान को जारी रखते रहने के लिए ये हुक्म सादिर किया है। लेकिन कुछ लोग उसमें कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, वो कन्फ्यूज़न लाउड स्पीकर को लेकर कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के लिए पहले से ही हमारी हुकूमत इजाज़त दे चुकी है, तो लाउड स्पीकर वाला तो कोई मसला है ही नहीं। और उसमें जजमेंट के पेज नंबर 26 पर लोग पढ़ लें, ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इजाज़त मांगता है तो कौन सा है नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स को मांगते हुए इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन यहाँ इजाज़त की ज़रूरत मैं समझता हूँ इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि हमें पहले से ही इजाज़त मिली हुई है। अजाने लाउड स्पीकर के लिए हो सकती हैं, रिट में ज़रा सी ये बात इत्तेफाक से भूले से किसी भी तरह से रह गई कि उन्होंने रिट में ये मेंशन नहीं किया था कि इजाज़त दी जा चुकी है अजानों को लाउड स्पीकर डिवाइसेस पर देने के लिए। इत्तेफाक है कि ये रह गया, जिसका जिक्र उन्होंने पेज नंबर 26 पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। लिहाजा ये कोई मसला नहीं है, लोग कन्फ्यूज़न पैदा ना करें और ना कन्फ्यूज़ हों। बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही सोच समझकर ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की और इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद की और बंगाल हाईकोर्ट के साइटेशन को उसमें साइट किया है। मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अजान लाउड स्पीकर डिवाइसेस पर देने का कोई मसला मैं समझता हूँ कि उस जजमेंट के मुताबिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।